हेलो यार फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल टीएच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है ये 2.1 बोर्ड का जो है पूरा कनेक्शन वगैरह और इसके बारे में सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, पहले तो ये जो है मैं अमेजोन से इसका ऑर्डर किया था, जो कि इसका अनबॉक्सिंग मैंने पिछले वीडियोस में डाल दिया था। यहाँ ऊपर आई बटन में आप लोगों को लिंक दे रहा हूँ, आप जाके उससे सारी बातें करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जो आप लोग अमेजोन से आप लोगों को मिलेगा वो बॉक्स ये 2.1 का मिलेगा। और इसमें जो है स्पीकर के लिए 50-50 वाट दिया है और सबवूफर के लिए 100 वाट दिया है। तो ये बहुत अच्छा है बेस लवर्स के लिए। और जैसे ही खोलेंगे आप लोगों को ये बोर्ड मिलेगा, ये मैंने अमेजोन से। तो फ्रेंड्स, मैंने जो इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया था उसमें जो आप लोग अगर देखेंगे अभी जाके, तो ये बोर्ड तो सेम था, लेकिन ये जो इसका ये है ये पिंक कलर का था। तो पिंक क्यों था मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो बोर्ड जो है खुला आया था और मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि यूज्ड वगैरह तो नहीं है करके, मैंने उसे रिटर्न किया तुरंत और इसे जो है रीऑर्डर करके मैंने मंगवाया है, तो मुझे ये वाला बोर्ड मिला है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम है। ये इसके जो है इसके साथ एक कार्ड टाइप का मिला था, रोबो क्रेज की तरफ से मैंने मंगाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में और इसका कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप लोग मंगा सकते हैं वहाँ से। और ये जो है इसके कुछ डिटेल्स लिखे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मुझे फ्रेंड्स 888 रुपये का ये पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे इस ऐसे टाइप के रैपर में आप लोगों को इसके नट एंड बोल्ट्स मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बोर्ड के बारे में तो सारी बातें हो गई हैं और अब मैं आप लोगों को बता दूँ इसके पिन आउट्स के बारे में। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑडियो इन लेता है, लेफ्ट राइट और ग्राउंड लेता है यहाँ पे। और मैं जो है फ्रेंड्स सिंपल इसे ऑक्स से यूज़ कर रहा था, आप लोग देख सकते हैं। ये ऑक्स केबल को मैं अगर यहाँ पे सिंपल ऐसे लगा देता हूँ तो मैं इसे चला सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो ऐसे टाइप का है और यहाँ पे आप डायरेक्ट अपने DTH का एडाप्टर वगैरह लगा सकते हैं, 12 वोल्ट का, उससे भी चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने स्पेशली ये लैप केयर का चार्जर परचेज किया है, जो कि आप कोई सा भी सेकंड हैंड चार्जर परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसका भी चार्जर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे अगर पहली बार टेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने जो है पहली बार इसे D2H का मतलब जो अपने घर DTH लगे रहता है उसका जो 12 वोल्ट का एडाप्टर रहता है उससे भी आप इसे चला सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से भी। इसमें जो है मैं आप लोगों को इनपुट वोल्टेज में आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें आप है फ्रेंड्स 12 वोल्ट 5 एम्पीयर दे सकते हैं कम से कम, और या तो फिर आप इसमें ये लैपटॉप का चार्जर 65 वाट का यूज कर सकते हैं, 65 या 90 वाट, बहुत अच्छे से चल जाएगा। मैंने चलाया है, ये अपने फुल एफिशिएंसी पे चल जाता है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, मतलब डिस्टॉर्शन वगैरह बिल्कुल भी इसमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है, एकदम फुल वॉल्यूम पे भी। अब मैंने जो है फ्रेंड्स ये 250 रुपये का लैप केयर का सेकंड हैंड चार्जर लिया था, जो कि मुझे कई तरफ से डैमेज मिला, क्योंकि इसका ये मेन कॉर्ड भी खराब था। और ये जो ये आप देख सकते हैं आउटपुट में, ये जो फ्रेंड्स इसका पिन रहता है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ टाइप का आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है ये फ्रेंड्स ओवर वोल्टेज के वजह से जो है ये वायर थोड़ा सा अंदर से जल। फ्रेंड्स, वैसे भी बोर्ड में आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाता है कि आप डायरेक्ट कनेक्टर लगाएं या फिर इस कनेक्टर से भी आप इनपुट दे सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को प्लस माइनस भी देखना पड़ेगा अच्छे से, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे एकदम छोटा सा प्लस लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे इस साइड प्लस देना है, इस साइड नेगेटिव देना है, ठीक है। और ये जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इस साइड का बता दूं, ये जो है ये दोनों पिन आपका ये सब ऊपर आप लोगों को प्लस माइनस एकदम अच्छे से कनेक्ट करना, नहीं तो आप लोगों का बोर्ड जल्दी खराब हो जाएगा या फिर तुरंत शॉर्ट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बकायदा प्लस माइनस आप लोग देखेंगे और उसी हिसाब से स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। इस साइड सबवूफर कनेक्ट होगा 100 वाट या उससे ज्यादा का, और यहाँ पे 50-50 वाट के दो ट्वीटर या स्पीकर, आप कार के स्पीकर भी लगा सकते हैं 6 इंच के, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इसके कनेक्शंस के बारे में बता दिया, अब इस बोर्ड के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ये जो है फ्रेंड्स टोटल वॉल्यूम कंट्रोल है, ठीक है, और ये जो है आपका बेस कंट्रोल है, ओनली बेस इससे कंट्रोल होगा, और इससे जो है आपके ये दोनों स्पीकर के वॉल्यूम कंट्रोल होंगे, सिर्फ स्पीकर के वॉल्यूम कंट्रोल होंगे, इससे बेस आपका नहीं घटेगा। तो इससे ये फायदा है फ्रेंड्स कि आप बेस को फुल रखें और वॉल्यूम को भी हाफ से ज़्यादा रखें और इन स्पीकर के वॉल्यूम को कम रखें अगर आप लोगों को बेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो, क्योंकि मैं भी ऐसे यूज़ कर रहा था, बहुत अच्छा आउटपुट मिल रहा है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके, हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। लगता है कि मुझे उस गाने पे इस मतलब बोर्ड को टेस्ट करना चाहिए था, तो आप लोग 3 बंदे जो पहले कमेंट करेंगे और मुझे अच्छा लगा कि ये गाना रखना चाहिए, तो मैं उनके गाने को जरूर स्टोरी पे डालूंगा इस बोर्ड के साथ टेस्ट करके, ठीक है। तो चलिए अभी इसे नॉर्मली टेस्ट करो, मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे ये चार्जर के टर्मिनल्स को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें फिलहाल जो है मैं ये 3 इंच के स्पीकर यूज़ करने वाला हूँ। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे छोटा सा प्लस बना हुआ है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे ये छोटा सा माइनस बना हुआ है। तो इसमें जो है छोटा वाला जो ये वायर है, आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स ये जो छोटा वाला वायर है ये अपना पॉजिटिव है, तो मैं इसे पॉजिटिव में कनेक्ट कर लेता हूँ, और ये लंबा वाला वायर नेगेटिव है, तो मैं वैसे ही कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार, फिर आप लोगों को बताता हूँ। और फ्रेंड्स, एक टोक में ये होम थिएटर का स्पीकर यूज़ करने वाला हूँ,
इसमें जो ये वाइट वाला वायर पॉजिटिव है, ब्लैक वाला नेगेटिव है, तो वैसे ही कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब तो कनेक्ट हो गया है, अब मैं आप लोगों को जो है अपना बेस ट्यूब, तो फ्रेंड्स सब ऊपर की जगह जो है हम इस बेस ट्यूब को कनेक्ट करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं JBL करके लिखा हुआ है इसमें, पीछे में इसमें एम्पलीफायर वगैरह नहीं है, सिर्फ ये जो है अंदर से स्पीकर्स की वायर आई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये वायर को मैंने इसमें कनेक्ट किया है और इसे मैं जो है यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ, आप लोग देखेंगे। और ये जो वायर आई हुई है इसे ही हम कनेक्ट करेंगे अभी एम्पली में। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देखेंगे मैंने जो है माइक को डिसकनेक्ट कर दिया, ताकि उसमें जो है फ्रेंड्स बेस अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता, देखते हैं शायद ही तक बेस रिकॉर्ड होता है। तो इसमें फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग के टाइम होता क्या है, आप लोग अगर हेडफोन यूज करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, मैंने देखा है जैसे ही बेस आता है, जैसे ही अगर बेस ट्यूब से बेस आता है तो साउंड दबता है और एकदम बेस भी मतलब अच्छे से सुनाई भी नहीं देता, ऐसा टाइप का हो रहा था माइक में। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी डायरेक्ट फोन से ही रिकॉर्ड कर, जैसे ही अगर कमेंट करेंगे 3 लोग तो मैं जो है स्टोरी में भी डालूंगा बॉलीवुड सॉन्ग को, मतलब रिकॉर्ड करके आप लोगों को जो सा सॉन्ग पसंद होगा वही वाला, ठीक है। तो अभी चला के इसे ऐसी नॉर्मली टेस्ट कर लेते हैं कैसा आ रहा है साउंड। फ्रेंड्स अभी जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी जनरेटर से दिखा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी जनरेट करके कि कैसा टाइप का बेस है। तो मैं अभी आप लोगों को सब ऊपर की तरफ ले चलता हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि कहीं आप लोगों को ऐसा मत लगे कि वो बेस ट्यूब में अलग एम्पली लगा है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये तार यहां से गई हुई है, ये बेस ट्यूब के अंदर की तार है और आप लोग देखेंगे उसी से जुड़ी हुई है, आप लोग देखेंगे डायरेक्ट इससे। और अभी जो है मैं इसमें फ्रीक्वेंसी जनरेटर से फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है बेस नहीं है, ये सिर्फ 11 हर्ट्ज का जो है मतलब फ्रीक्वेंसी है, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि ये बोर्ड से इतनी अच्छी भी बेस आ सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आगे तक ये आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। 6 हर्ट्ज पे फ्रेंड्स मैंने इसे रखा है, अभी देखते हैं कैसा है, आप लोग देखेंगे कुछ ऐसा है। और मैं इसका थोड़ा सा साउंड इंक्रीज करता हूँ, स्पीकर वगैरह में भी वैसा ही है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे स्पीकर वगैरह में भी है, लेकिन बहुत कम है क्योंकि स्पीकर कम वाट का है, तो वहां पे जो है रजिस्ट हो जा रहा है। फ्रेंड्स अभी आप लोग 18 हर्ट्ज में देखेंगे कैसा है फ्रीक्वेंसी। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका स्पीकर लाएंगे, मतलब ट्विटर वगैरह इसके लिए अच्छा वाला लाएंगे 4 या 6 इंच का, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को टेस्टिंग करके उसके लिए भी बता दूंगा। तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।